एक सामाजिक संस्था द्वारा संचालित बेसहारा मानसिक मंदित महिला आश्रय गृह मात्र छाया का उद्घाटन जिला अधिकारी के विजयन पांडेन द्वारा फीता काट कर किया गया। उसके बाद जिलाधिकारी ने शिलापट्ट का अनावरण करके तथा दीप प्रज्वलित कर मात्र छाया का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सरोजीत सिंह सहित संस्था के अध्यक्ष आजाद पांडे, आलोक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि शहर के अंदर बेसहारा मानसिक मंदित घूमने वाली महिलाओं के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से महिला आश्रय गृह बनवाया गया है। अग्रसेन चौराहा के समीप बने इस महिला आश्रय गृह में लगभग इस समय मानसिक रूप से पीड़ित 9 महिलाएं निवास कर रही हैं, जिनका संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। आश्रय केंद्र में रहने वाली मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं से जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने मुलाकात किया। इस अवसर पर आयोजित एक समारोह में संस्था के सदस्यों द्वारा जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि उनका प्रयास है कि गोरखपुर को सिंगापुर की तरह बनाया जाए, जिससे गोरखपुर का नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो सके। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के लिए यह केंद्र खोला गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की महिलाएँ दिखाई दें तो उसे यहाँ पहुँचा दें, उनका भरण पोषण यहाँ किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा, सर आइए।
कल्याण अधिकारी सर्वजीत सिंह, मैं श्री आजाद पांडे, लगभग 9 वर्ष की सेवा हो गई है मेरी भी। और जैसा कि अभी उद्घोषक जी अपने जिलाधिकारी महोदय के बारे में बता रहे थे, तो हम लोगों का भी सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे जिलाधिकारी मिले हैं और उनके सानिध्य में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है जो हम लोगों का कार्य का जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, उससे अलग हटके है, जिसको क्रिएटिव वर्क कहते हैं। और ऐसे कार्यों से पहचान बनती है। जैसा कि अभी हमारे उद्घोषक जी कह रहे थे, बहुत थोड़ी बात सर के बारे में कह रहे थे, सर ऐसे ये एक प्रयास है समाज के क्षेत्र में, ऐसे सर बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं। अभी आप लोग जानते हैं, अभी कुछ आश्रम में जो एक संस्था आप लोगों के माध्यम से जो वहाँ कार्य किया जा रहा है, यहाँ महिला सदस्य हैं, वहाँ पुरुष लोग हैं, करीब 20 से 25 लोगों को ठीक करके घर भेजा जा चुका है। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। इसमें स्माइल रोटी बैंक के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सहयोगी हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। यहाँ आकर के निसंदेह बहुत अच्छा लग रहा है, ये अपने आप को ऑनर फील कर रहा हूँ। स्माइल रोटी बैंक की तरफ से बहुत ही सराहनीय कार्य है, सराहनीय कदम है। जिस उत्साह से, जिस सोच से ये मार्ग छाए का कंसेप्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के दिमाग में आया है, ये संदेह बहुत ही वैसे मुश्किल से, मैं तो सौभाग्यशाली है। वैसे जनपद तो शुरुआत में सब लोग आने में डरते हैं, गोरखपुर डीएम बनना तो सबके बस का नहीं है, तो मुझे भी 1.5 साल हो गया है। मैं तो यथासंभव जनपद का कितने दे सकते हैं उतने संभव प्रयास कर रहा हूँ। गोरखपुर वासी उस पर गर्व महसूस करेंगे। वो तो मेरा फ्रेंड से कहता है, यार गोरखपुर में क्या करते हैं, यार मैं सिंगापुर बना रहा हूँ गोरखपुर। 1907 में मुझे ली हुआ यू का जो वो सिंगापुर का इतिहास याद आता है। एक आदमी तो झाड़ू लेके निकल पड़ी है, 10 साल में सिंगापुर बन गया एक छोटी सी शहर था। मुश्किल नहीं है, बट अकेले आदमी का बस का भी नहीं है, टीम चाहिए। यहाँ तो गोरखपुर में मैं सौभाग्यशाली है, मुझे अच्छा अच्छा भाई लोग मिले हैं, अच्छा अच्छा टीम के साथ मुझे काम करने के लिए मौका मिला है। तो संवेदनशीलता लेके मेरा सामने पेश किए उन लोग, जो भी है, जो यहाँ जो कितने साथियों देखे होंगे कि हम लोग 1.5 साल पहले के जो तब शुरुआत, तब मैं जनपद में आया था, तब 1-2 दिन में जो ये आजाद पांडे ये इनको ये कंप्लेंट आके मिले थे हमसे, एक दो चीज शुरुआत छोटी छोटी शुरुआत में बताया था साहब, ये थे एक बड़ा रेलवे स्टेशन है यहाँ, बहुत बच्चे भीख मानते हैं, वो मिसयूज होता है, वो कोई उस पर वाइटनर जो होता है नशेड़ी हो जाते हैं, बच्चे गलत काम में लग जाते हैं, हम लोग उस पर लगे रहे, आप भी कुछ करो। तो बोलते तो चलिए तो चलते हैं, फिर हम उनके साथ ही निकल पड़े, देखा है क्या कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम भी तो उनके साथ जुड़ गए। फिर उसको तो हम लोग कहाँ कहाँ व्यवस्था कर सकते हैं उतने ऐसा संभव व्यवस्था कर रहे हैं। अभी भी 100-150 बच्चे हम लोग के साथ हैं, और भी अभी उस पर काम करने की ज़रूरत है, लगे हुए हैं। और साथ साथ एक दो चीज़ इन लोग लेके आए, ताकि हम लोग ट्रांजिशन में है, एक तरफ से रेलवे स्टेशन के नाते से, बड़े जो पूर्वांचल का शहर के नाते से बहुत लोग यहाँ ऐसे आते हैं, खासतौर पर मान लीजिए यहाँ तो डॉक्टर लोग भी ज़्यादा है, इलाज के नाम से लेके आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, बहुत खासतौर पर जो मानसिक जो पीड़ित लोग हैं वो भी बुजुर्ग हो गए हैं, वो किसी लायक नहीं महसूस करके घर वाले छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ वैसे स्टेशन में छोड़ के चले जाते हैं, नहीं तो भूल वजह कहीं से निकल के आ गए, भटक रहे होंगे वो, ऐसे भी भारी संख्या में घूम रहे थे। तो हम लोग तो सोचा तो चलो यार कुछ करेंगे उस पर, फिर हम लोग सीतापुर आई हॉस्पिटल में कुछ जगह दिया है इन लोग का,
उसके अलावा जो यहाँ कुष्ठ सेवा आश्रम पहले से था, मेरा कंट्रोल के अंदर था, उस पर कुछ कमरा से हम लोग चालू किए, इधर उधर चंदा कलेक्ट करके फिर चालू किए, उस पर 10 लोग 15 लोग, तो अभी इस समय 50 से 60 लोग हैं वहाँ मानसिक तौर पर पुरुष लोग के लिए होता। उसके बाद धीरे धीरे उससे यहाँ डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर मिला हम लोग का, तो अब तो वही तो गिन रहे थे सिटी मैजिस्ट्रेट साहब, 30-40 लोग हम लोग उसको सही करा करके उनके घर भेज चुके हैं। खासतौर पर जो मानसिक जो भी पीड़ित व्यक्ति है उनका अच्छा माहौल का जरूरत है, ऐसे नहीं है, हम भी तो अभी जिंदगी में महसूस करते हैं, कहीं कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं कोई कोई घटनाएं सामने आ जाता हो तो आदमी तो सबका सामने करने के बल नहीं दिया भगवान, कभी कभी थोड़ा चुप जाते हैं, उसी के समय में हम लोग का थोड़ा उनके पीठ दबा करके थोड़ा आगे कराना होता है, इतना ही कराना होता है। हम लोग अच्छा माहौल दिए, थोड़ा इलाज किए, उसके बाद अपने याद उन लोग याद करने लगे, फिर कुछ ट्रेनिंग भी दी, बहुत बढ़िया करा के करा दिया। फिर इन लोग ये बताए थे साहब, हम लोग पुरुष लोग उठा के आ रहे अर्ध नंगा अवस्था में, महिला पड़े हैं वो उनको क्या करें, तो अब तो चुनाव बस 2 महीने मुश्किल से उसके पहले ये प्रयास हम लोग शुरू किए। हम बताया क्या करना है सर, यहाँ तो कोई पुराने भूत बंगला टाइप का पड़ा है, आप देखो उसको। फिर हम तो चटके तो निकल आए, हम और कप्तान से देखे वो किसी का 4th क्लास का कब्जा है, कोई गाय चरा रहा है, कोई पशु पाल रहा, तो फिर उनको तुरंत सिटी में से सब निकाली किया, फिर पूरा जाड़ा जंगल क्लियर किए, उसको पर बताया तो इसको महीना महीने में चलाने के लिए 50 से 1 लाख रुपये खर्च पड़ता है, ताकि कुछ सेवा आश्रम में हम लोग इधर उधर चंदा कलेक्ट करके चलाते हैं महीने महीने में। बताए चलिए सर हम कोशिश करते हैं, चलिए चले जाते हो, अभी कटोरा लेके हम भी चल पड़ेंगे। ये तो एक आदमी के योगदान नहीं, बहुत लोग का कंट्रीब्यूशन है, अमर तुलसियान से लेके बहुत लोग उस पर सामग्री के रूप से प्रयास किए, कप्तान साहब ने एसी लगवाया, टाइल लगवाया, वो इन लोग भी तमाम लोग इस पर मतलब, वही तो कह रहा हूँ गोरखपुर का एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरा गोरखपुर वासी का एक उपलब्धि हम लोग सामने पेश किया, ये प्रयास है हम लोग का, ताकि इतने महिला कितने आते हैं, ताकि जो भी मान लो तो हम लोग के घर के ही महिला ऐसे कुछ हो जाता कैसे होना, ताकि इतने संवेदनशीलता हम लोग का आपस में होना चाहिए, कोई महिला ऐसे व्यवस्था में पड़े हैं तो फिर ज़रूर यहाँ ले आकर के हम यथासंभव उसकी इलाज करके हम कोशिश करेंगे, कहीं जाने के लिए भेजने के लिए उनके घर ही वापस, नहीं वहाँ नहीं है असमर्थ है तो यहीं ऐसे व्यवस्था कर लेंगे, उतने हम लोग के पास क्षमता है, कैपेसिटी है ज़रूर, कि समाज में थोड़ा भी मानवता थोड़ा बच जाता तो आराम से हम लोग करोड़ों लोग का हम लोग उसको साथ हम लोग के साथ लेकर के चला सकते हैं। साथ साथ एक प्रयास हम लोग करा रहे हैं, यदि तो सफल होता तो अक्षय पात्रा संस्था है, अक्षय पात्र का संस्था, उसको 10,000 भोजन बनाने की क्षमता है, जुलाई से हम प्रारंभ करने वाले हैं, खासतौर पर रिक्शे चलाने वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं, भूखे रहते हैं, अन्य 90% चोर लोगों का कहानी यही होता है, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं, कहीं इधर उधर चोरी कर लेते हैं, ताकि तो भूखे कोई आदमी रह जाता तो फिर आदमी नहीं हो जानवर बन जाता है। हम भूख मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जुलाई से हर 15 जगह हम लोग चिन्नागर के बस स्टेशन जगह जगह कहाँ गरीब लोग हैं तो हम सस्ते भोजन 5 रुपया 3 रुपया में हम दिलाएंगे, भरपेट खाना और अच्छा भोजन के लिए आप लोग साथ देंगे तो गोरखपुर में ऐसे गोरखपुर बनाएंगे कि यहाँ गरीबी का नाम याद करते हैं तो इतिहास में ऐसे पल हम लोग लेके जा रहे हैं। बट ये तो अकेले व्यक्ति का नहीं है, अकेले आदमी का नहीं है, अकेले टीम का भी नहीं, पूरे गोरखपुर वासी का योगदान चाहिए। मैं चाहता हूँ और भी हम लोग मिलके गोरखपुर का जरूर सिंगापुर से ऊपर कराएंगे, यही मेरा अपेक्षा। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज से मातृ छाया एक स्थापना है स्माइल रोटी एनजीओ एसोसिएशन के जरिए से, जिला प्रशासन के जरिए से हम लोग खोल रहे हैं, इसका खासतौर पे एक ही मकसद है, खासतौर पे मानसिक विकसित जो भी महिला है, जो आप देखे होंगे बस स्टेशन में रेलवे स्टेशन में अर्ध नंगा व्यवस्था में बहुत महिला मिलते हैं, खासतौर पे जो ये गोरखपुर जो ट्रांजिशन के वजह यानी जो यहाँ रेलवे स्टेशन बड़ी है उसी के वजह भी और किसी न किसी वजह भी भारी संख्या मात्रा में है, उन्हीं लोगों का ले आ करके हम लोग यथासंभव प्रयास करके उनका इलाज करवा रहे हैं, और यदि पता मिला तो फिर उनका पता में छोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं,
और यहाँ का जो एनजीओ है स्माइल रोटी बैंक, उन्हीं के जरिए से ये संचालन किए हैं हम लोग। अभी फ़िलहाल 10 महिला है। हम लोग पब्लिक को भी अपील करने चाहते हैं, ऐसे महिला कहीं भी शहर में मिलता है तो ज़रूर हम लोग को सूचना दे दें, ताकि वो मतलब गलत हाथ में ना मिल जाए। उसी के पहले हम लोग संरक्षण करा करके उनको यथासंभव इलाज करके उनके सही जगह पहुँचा सकते हैं। ये आपसे आपके माध्यम से मेरा अपील है जनता को।